राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की आतंकवादियों ने निर्मम हत्या की थी। कन्हैया लाल को न्याय दिलाने को लेकर और जघन्य अपराध करने वाले आतंकियों को सबक सिखाने के लिए इन्हें सहयोग करने वालों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर सकल हिंदू समाज के आह्वान पर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। सौंपने के लिए सकल हिंदू समाज ने स्वैच्छिक नगर बंद के आह्वान पर डही नगर आधे दिन के लिए बंद रखा। यहाँ सुबह 11 बजे से नगर और आसपास से हिंदू समाज के लोगों का आना शुरू हो गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में जनसैलाब नए बस स्टैंड पर इकट्ठा हुआ। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से कूच किया, नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए जुलूस पुराने बस स्टैंड पहुंचा। यहां आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया। गगनभेदी घोष लगाते हुए जनसैलाब तहसील कार्यालय पहुंचा, यहां ज्ञापन का वाचन किया गया। जनजाति हित रक्षक जिला संयोजक कैलाश डावर ने वाचन किया और प्रभारी अधिकारी RI रवि डावर और थाना प्रभारी प्रकाश सरोदे को ये राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। जुलूस फिर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण पहुंच गया, जहाँ कार्यक्रम का समापन किया गया। पिछले दिनों उदयपुर राजस्थान और अमरावती में हुई घटना के विरोध में यहाँ का सकल हिंदू समाज घोर निंदा करता है और नगर बंद के पश्चात हम वहाँ के स्थानीय प्रशासन से निवेदन करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों पर पहचान करके उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। और हम यहाँ से यह मांग करते हैं कि आप शासन प्रशासन तथा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इस हेतु यहाँ का हिंदू समाज आक्रोशित है तथा इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राजस्थान सरकार से ऐसा आह्वान है। ब्यूरो रिपोर्ट।